मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्वांटम रेल नाम की एक दूसरी दुनिया में एक जनत नाम की औरत किसी कारण फंस जाती है और इस दुनिया में एलियन जैसी प्रजाति के दिखने वाले लोग रहा करते थे। जेनत स्कॉट की यानी कि आंटमैन की मदर इन लॉ होती है। फिर हम देखते हैं कि जेनेट के ऊपर एलियन जैसे दिखने वाले कुछ जीव हमला करने लगते हैं एंड जब जेनेट उन एलियन जैसे दिखने वाले जीव से लड़ रही होती है तभी उसे एक जमीन पर लेटा हुआ आदमी दिखता है। उस आदमी का नाम कैंग होता है और वो जेनेट से पूछता है कि हम कहां पर हैं। फिर यहां पर सीन चेंज हो जाता है और ये सब चीज जो जेनेट के साथ में हो रही होती है वो काफी साल पहले हो रही होती है। फिर वापिस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फिर प्रेजेंट में हम एंटमैन को यानी के स्कॉट को देखते हैं और इस समय स्कॉट की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है क्योंकि उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाया था। इसी कारण वो अपने पूरे शहर में फेमस हो जाता है और लोग भी उसकी इज्जत करने लगते हैं और उसने अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब भी लिखी होती है जिसको वो पढ़कर कुछ बच्चों को सुना रहा होता है। तभी उसके पास में पुलिस थाने से एक कॉल आता है जिसमें उसको ये मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी कैसी थाने में बंद है। फिर वो अपनी वाइफ जिसका नाम होप होता है उसको लेकर पुलिस थाने जाता है और अपनी बेटी को छुड़वाता है। कैसी को पुलिस वालों ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे बेघर लोगों के ऊपर जब पुलिस वालों ने कार्रवाई करनी चाहिए तो कैसी उनके बीच में आ गई थी। कैसी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो बेघर लोगों की मदद करना चाहती थी। फिर फाइनली स्कॉट और उसकी वाइफ कैसी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर स्कॉट के घर में हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ में उसकी मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ भी रह रहे होते हैं। फिर वो सभी लोग आपस में मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के टाइम पर स्कॉट को यह मालूम पड़ता है कि कैसी पहले भी एक बार जेल जा चुकी है। फिर कैसी इस बात का जवाब देते हुए स्कॉट को यह बताती है कि उसने ये बात जानबूझकर स्कॉट को नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्कॉट उसके ऊपर गुस्सा होए। फिर फाइनली डिनर करने के बाद में कैसी अपनी फैमिली को अपने लैब में ले जाती है जहां पर उसने एक यंत्र बनाया होता है। ये बात वो स्कॉट को बताती है कि उसने ये यंत्र तब बनाया जब स्कॉट 5 साल के लिए अपने घर से बाहर था। इस यंत्र को बनाने में उसके नाना ने उसकी मदद की। फिर कैसी इस यंत्र की विशेषताएं बताते हुए ये कहती है कि इस यंत्र के द्वारा हम क्वांटम रियल नाम की दुनिया में सिग्नल भेज सकते हैं एंड वो सिग्नल भेजना शुरू भी कर देती है। फिर जैसे ही ये बात उसकी नानी यानी जेनेट को पता चलती है कि कैसी इस यंत्र के द्वारा क्वांटम रियल नाम की दुनिया में सिग्नल भेज रही है तो वो इस यंत्र को तोड़ देती है। टूटने के बाद उस यंत्र के द्वारा एक द्वार क्रिएट होता है जिसके बाद में वो द्वार अपने अंदर वहां की सारी चीजें खींचने लगता है एंड उस द्वार के अंदर कैसी स्कॉट और उसकी सभी फैमिली चली जाती है एंड वो लोग सीधा क्वांटम रेल पहुंच जाते हैं। क्वांटम रेल पहुंचने के बाद में कैसी और स्कॉट एक दूसरे हिस्से में चले जाते हैं एंड वो दोनों जेनेट हॉप और हेनरी से बिछड़ जाते हैं। फिर वहां पर कैसी और स्कॉट के पास में एलियन जैसे दिखने वाले कुछ जीव आते हैं। फिर वो सभी लोग कैसी और स्कॉट को पकड़कर अपने साथ में अपने कबीले ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनेट हॉप और हेनरी कैसी और स्कॉट को ढूंढ रहे होते हैं। कैसी और स्कॉट को ढूंढते हुए वो लोग एक खुले मैदान में चले जाते हैं एंड उनके सामने भी एलियन जैसे दिखने वाले कुछ जीव आ जाते हैं। जेनेट के सामने एलियन जैसे दिखने वाला एक जीव आता है जिसे जेनेट पहले से ही जानती थी एंड ये चीज देखकर हेनरी और हॉप शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जेनेट इस एलियन जैसे दिखने वाले जीव को पहले से जानती है। फिर जेनेट उस एलियन जैसे दिखने वाले जीव से स्कैलर नाम के एक आदमी के बारे में पूछती है जो उनके साथ में ही रहा करता था। उसके बाद में वो एलियन जैसे दिखने वाला जीव एक उड़ने वाले जीव को अपने पास में बुलाता है एंड ये जीव जेनेट का बहुत अच्छा दोस्त होता है। उसके बाद में वो एलियन जैसा दिखने वाला जीव जेनेट को कुछ कपड़े देता है ताकि जेनेट और उसके साथ ये कपड़े पहनकर उन्हीं के जैसे दिखने लगे। फिर जेनेट हॉप और हेनरी उन कपड़ों को पहनकर उस उड़ने वाले जीप के ऊपर बैठ जाते हैं और स्काइलर से मिलने चले जाते हैं। जेनेट स्काइलर से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि स्काइलर क्वांटम रेल के लोगों को अच्छे से जानता था। जेनेट को ऐसा लगता था कि स्काइलर कैसी और स्कॉट को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एलियंस स्कॉट का जबरदस्ती मुंह खोलकर उसको एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसके बाद में स्कॉट को उन लोगों की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। उसके बाद में स्कॉट के पास में एक आदमी आता है जो उन एलियंस के साथ में रहा करता था एंड ये आदमी किसी का भी दिमाग पढ़कर उसके बारे में बता देता था एंड वो स्कॉट को उसका नाम बताता है एंड स्कॉट से ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो जासूस है। असल बात ये है कि इन लोगों की दुनिया किसी ने तबाह कर दी थी एंड ये लोग उससे छुपकर एक दूसरी जगह पर रह रहे होते हैं। इसीलिए उस आदमी को ऐसा लगता है कि स्कॉट एक जासूस हो सकता है। ये आदमी कौन है जिसने इन लोगों की दुनिया तबाह की थी इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। तभी वहाँ पर कैसी ये बताती है कि वो लोग जासूस नहीं है बल्कि वो अपने फैमिली से बिछड़ गए हैं। कैसी और स्कॉट उस आदमी को अपनी दुनिया के बारे में बताने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उड़ने वाला जीव जेनेट और उसके साथियों को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर काफी सारे एलियंस जैसे दिखने वाले जीव होते हैं। फिर जेनेट वहाँ पर हेनरी और हॉप को वही ड्रिंक पीने को देती है जो ड्रिंक स्कॉट को जबरदस्ती पिलाई गई
थी ताकि वो लोग भी उन एलियंस की भाषा समझ सके। थोड़ी देर बाद में फाइनली वहाँ पर स्काइलर भी आ जाता है। फिर वो जेनेट से मिलता है और अपनी कुछ पुरानी बातें करता है। फिर थोड़ी देर बाद में जेनेट उसको ये बताती है कि हम कैसी और स्कॉट नाम के लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो लोग हमारे ही साथी हैं और वो लोग यहाँ पर आकर हमसे बिछड़ गए हैं। जिसके जवाब में स्काइलर उसको ये बोलता है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं, बट उनके बारे में बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार कैंग से मिल लो। जेनेट कैंग से किसी रीजन की वजह से नहीं मिलना चाहती थी। ये रीजन क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर स्काइलर कैंग से मिलने के लिए जेनेट को फोर्स करने लगता है। फिर वहाँ पर जेनेट को ये फील होने लगता है कि स्काइलर कैंग के साथ में मिल चुका है। फिर जेनेट वहाँ से हेनरी और हॉप को लेकर जाने लगती है, तो स्काइलर के कहने पर वहाँ के सभी एलियंस उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर वो लोग उन एलियंस से फाइट करते हुए उड़ने वाली एक चीज पर बैठ जाते हैं और उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरफ हम देखते हैं कि जेंटोरा नाम की एक लेडी स्कॉट के पास में आती है और वो स्कॉट को ये बोलती है कि तुम भी हमारी तरह ऊपर वाली दुनिया में रहते हो तो वो तुम्हें भी ढूंढ रहा होगा, तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है जेनेट के ऊपर। जेनेट से हेनरी और हॉप ये पूछते हैं कि तुम इन लोगों को कैसे जानती हो। फिर जेनेट उन दोनों को ये बताती है कि जब मैं क्वांटम रेल में फंसी थी तो मुझे एक कैंग नाम का आदमी मिला था। उसने ये कहा कि वो एक साइंटिस्ट है जो यहाँ पर भटक गया एंड उसके पास में एक ऐसा शिप था जो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता था। ऐसा शिप जेनेट ने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं देखा था एंड उस शिप को चालू करने के लिए उसके एनर्जी कोर को चार्ज करना पड़ता था। फिर जेनेट और कैंग मिलकर उसके एनर्जी कोर को चार्ज करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो चार्ज नहीं हो पाता एंड फिर वो लोग वहाँ पर सालों तक अकेले रहते हैं एंड इसकी वजह से उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लोग दोबारा से उस एनर्जी कोर को चार्ज करने की कोशिश करते हैं एंड सालों बाद फिर फाइनली उन्हें कामयाबी मिल जाती है एंड फिर वो लोग उस शिप के जरिए अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। कैंग का शिप न्यूरोडायनेटिक था, मतलब कि कैंग का जो दिमाग था वो शिप से कनेक्टेड था, तो जेनेट ने जब उस शिप को छुआ तो उसने कैंग का दिमाग पढ़ लिया जिसमें उसने ये देखा कि कैंग ने बहुत सारे पाप किए थे। उसने काफी सारी दुनिया को तबाह कर दिया था, उसने समय रेखा से छेड़छाड़ करके सभी चीजों को तबाह कर दिया था। वो यहाँ पर भटक कर नहीं पहुंचा था बल्कि उसे दुनिया से बेदखल कर दिया गया था, टाइम और स्पेस से परे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। जिन लोगों ने कैंग को इस दुनिया में भेजा था उन्हीं लोगों ने कैंग के शिप के साथ छेड़छाड़ करके ऐसा कर दिया था ताकि वो इस दुनिया से बाहर ना जा पाए एंड वो जेनेट की मदद से इस दुनिया से बाहर जा रहा था। फिर जेनेट को जब ये सारी बात पता चलती है तो वो उस शिप का कोर लेकर भागने लगती है लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती क्योंकि कैंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फाइनली जेनेट उस कोर को बड़ा कर देती है जिसके बाद में कैंग का समय से कंट्रोल हट जाता है। वो दोनों फिर वहाँ पर हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस जाते हैं। वो जेनेट की वजह से ही वहाँ पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसके बाद में वो तरह तरह के हथियार बनाता है और अपनी एक सेना तैयार करता है एंड जेनेट कई सालों तक उससे बचने के लिए जगह जगह पर छुपती रही एंड वो बताती है कि फाइनली उसे हेनरी ने बचाया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेंटोरा कैसी और स्कॉट को वहां से जाने के लिए कहने लगती है। तभी वहां पर कैंग के लोग आ जाते हैं और वो वहां पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो लोग स्कॉट को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो जेनेट को जानता था। फाइनली वो लोग स्कॉट, कैसी और जेंटोरा को पकड़ लेते हैं और अपने प्लेस पे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वहां पर कैंग आता है और वो स्कॉट को ये बोलता है कि जेनेट ने मुझसे कुछ चीज छीनी है जिसे तुम लाकर दोगे जिसके जरिए मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूंगा। स्कॉट जब इस काम के लिए मना करता है तो कैंग कैसी को मारने की धमकी देता है। फिर मजबूर होकर स्कॉट इस काम के लिए रेडी हो जाता है। कैंग स्कॉट को उसी कोर के पास में ले जाता है जिसे जेनेट ने बड़ा कर दिया था। फिर वो लोग स्कॉट को ये बोलते हैं कि तुम्हें इसके अंदर जाने के लिए पहले छोटा होना पड़ेगा एंड उसकी एनर्जी से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके अंदर जाकर उस कोर को छोटा करना और उसे लेकर वापिस आ जाना। स्कॉट जब उस कोर के अंदर जाता है तो वहां पर जाने के बाद में उसके अंदर से बहुत सारे उसके हमशक्ल निकलने लगते हैं एंड वो सभी सिर्फ एक इल्यूजन की तरह ही होते हैं एंड उन्हें देखकर स्कॉट कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे जैसी शक्ल के दूसरे आदमी कैसे आ सकते हैं। तभी अचानक से स्कॉट का कनेक्शन हॉप से हो जाता है। हॉप पहले से स्कॉट से कनेक्शन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पहले नहीं हो रहा था। उसके बाद में हॉप भी उसी कोर के अंदर चली जाती है और वो स्कॉट से मिल जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस कोर को छोटा कर देते हैं। तभी वहां पर जेनेट भी आ जाती है और वो स्कॉट को ये बोलती है कि ये कोर कैंग के हाथ नहीं लगना चाहिए। जेनेट को देखकर वहां पर कैंग भी आ जाता है और कैंग स्कॉट से वो कोर छीन लेता है। स्कॉट और हॉप कैंग से वो कोर छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं छीन पाते एंड उसके बाद में कैंग जेनेट को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं। कैसी को दो एलियंस पकड़कर ले जा रहे होते हैं लेकिन वो अपनी चलाके से उनको मारकर वहां से भाग जाती है एंड वो जाकर जेंटोरा को छुड़ाती है और उससे ये बोलती है कि वो अपने लोगों को ये मैसेज भेजे कि उसके लोग रेडी हो जाए कैंग के लोगों को मारने के लिए। उसके बाद में जेंटोरा एक रूम में जाती है और वहां से लाइव अगर अपने लोगों को ये
बोलती है कि वो लोग रेडी हो जाए कैंग के लोगों को मारने के लिए। उसके बाद में जेंटोरा के सभी लोग कैंग के लोगों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ स्क्वाड भी अपने आप को बड़ा कर लेता है और गुस्से में आकर वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। फिर ये बात कैंग को पता चल जाती है और वो अपने शिप को चालू करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्क्वाड उसके शिप के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो शिप तबाह हो जाता है। फिर वहाँ पर स्क्वाड और कैंग के बीच में फाइट होती है जिसमें कैंग स्क्वाड को बहुत मारता है। वहाँ पर हेनरी आ जाता है अपनी कई सारी चीटियों के साथ एंड वो चीटियाँ कैंग के ऊपर हमला कर देती है। बाद में जेनेट उस कोर को लेकर एक द्वार क्रिएट करती है जिस द्वार से वो लोग वापस अपनी दुनिया में जा सकते थे। बाद में वो सभी लोग बारी बारी उसके अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग तो अंदर चले जाते हैं लेकिन स्क्वाड जैसे जा रहा होता है तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और वो स्क्वाड के ऊपर हमला कर देता है और फिर से दोबारा स्क्वाड और कैंग के बीच में फाइट होने लगती है और इस बार भी कैंग स्क्वाड को बहुत मारता है। तभी उस द्वार में से वापस हॉप आ जाती है और वो कैंग को वहाँ पर मारने लगती है। वहाँ पर हॉप और स्क्वाड मिलकर कैंग को मार देते हैं। मारने के बाद में वो दोनों वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि वापस से स्क्वाड की लाइफ नॉर्मल हो जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।